हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बच्चों, एक ख्याल आया। बच्चों मुझे एक चीज़ बताइए, लाइफ में ऐसा ग्राफ, ऐसा मतलब सिर्फ अपवर्ड जाने वाला ग्राफ किसी इंसान का रहा है बच्चों? किसी भी इंसान का ऐसा ग्राफ जो सिर्फ अपवर्ड जाता है, ऐसा कभी भी नहीं रहा। चलिए, आप किसको फेमस मानते हैं, आप किसको प्रसिद्ध मानते हैं? क्या विराट कोहली 0 पे आउट नहीं होता? बच्चों, अक्षय कुमार जो आप में से कई लोगों की के रोल मॉडल हैं, कई लोगों की इंस्पिरेशन है, आप अक्षय कुमार को देख लीजिए बच्चों। एक टाइम ऐसा आया था जब आपको बताओ वो उनकी मूवीज आई थी कुछ, नमस्ते लंदन, ब्लू, और एक दो तो दो तीन मूवीज थी वो क्रिकेट वाली जिसमें वो क्रिकेट खेलता है। तीन चार मूवीज एक साथ एक लाइन में फ्लॉप हुई बच्चों। आप अक्षय कुमार को आज रोल मॉडल मानते ना, एक साथ उनकी चार मूवीज फ्लॉप हुई एंड ही वॉज प्लानिंग टू क्विट बॉलीवुड। उन्होंने ऐसा उस समय मीडिया को एक स्टेटमेंट भी दिया था। और किसको रोल मॉडल मानते हैं? नरेंद्र मोदी को बच्चों। आज भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कितने सारे इलेक्शन, दिल्ली, दिल्ली में तो बहुत बुरी हार हुई है बीजेपी की। प्लीज़ इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट मत कीजिएगा, बट मैं आप बता रहा हूँ आप किसको रोल मॉडल मानते हैं बच्चों। भगवान राम, 14 साल, वो तो भगवान थे ना, वो तो अवॉइड कर सकते थे, बट 14 साल तक उन्हें जंगल में रहना पड़ा। भगवान कृष्ण बच्चों, सारथी बन के उनको वो युद्ध में जाना पड़ा, सारथी बन के बच्चों। आप किसको? डोनाल्ड ट्रंप, 92 में, डोनाल्ड ट्रंप 92 या 97 में उनका कोई इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें कह रहे थे कि आई एम प्लानिंग फॉर फाइलिंग अ बैंकरप्सी। डोनाल्ड ट्रंप जिनको हम इतना मानते हैं बच्चों। बट मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर अक्षय, अमिताभ बच्चन बच्चों, अमिताभ बच्चन की तो स्थिति आपको क्या बताऊं बच्चों, उनकी स्थिति तो इतनी खराब थी, इतनी खराब थी। अमिताभ बच्चन ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जब मेरी कंपनी अमिताभ बच्चन को और एबी कॉर्प लिमिटेड फेल हुई थी तो मैं लोगों से नजर नहीं मिला पा रहा था, इतने सारे क्रेडिटर्स की लिस्ट थी, मैं परेशान था, मुझे लगता था कि सुसाइड कर लिया जाए। तो बच्चों एक ही चीज़, ये विनर्स हैं बच्चों, ठीक है? तो बच्चों एक ही चीज़ होती है बच्चों कि जब आपका टफ टाइम आता है तो क्या आप टफ बनते हो या फिर आप क्विट कर देते हो। सो अगर उस समय अक्षय कुमार बॉलीवुड छोड़ देते, नरेंद्र मोदी इतनी सारी हार के बाद अगर पॉलिटिक्स छोड़ दें, अमिताभ बच्चन अगर उस समय बॉलीवुड को अलविदा बोल देते कि यार मैं क्विट कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं चीज़ें छोड़ देता हूँ बच्चों। विराट कोहली 0 पे आने आउट होने का, सचिन का एक टाइम पे क्रिकेट में बहुत ख़राब दौर था जब सचिन 0 पे आउट होते, 0 और 10 के अंदर ही आउट होते जब वो कैप्टन थे। तो बच्चों उस समय अगर वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते तो मुझे बताइए क्या हमको वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन सचिन मिल सकता था बच्चों? बिल्कुल नहीं मिल सकता था। मोदी अगर पॉलिटिक्स में हार के कारण वो छोड़ सोचते कि पॉलिटिक्स छोड़ दिया है तो क्या हमको प्रधानमंत्री उनके ऐसा मिल सकता था? प्लीज़, मैं मोदी जी का सपोर्टर नहीं हूँ बच्चों। तो मैं आपसे एक ही चीज़ की गुजारिश करना चाहूँगा बच्चों, परिस्थितियाँ जैसी भी हों बच्चों, आपको लड़ना है बच्चों। टफ टाइम सबका आता है बच्चों। मुकेश अंबानी, इवन ही इज फेसिंग अ टफ टाइम नाउ। इनकम टैक्स के नोटिसेज हैं, फिर वो गवर्नमेंट ने उस अरामको वाली डील में अड़ंगा लगा दिया है, एंड ही हैज नॉट लेफ्ट वर्किंग हार्ड बच्चों। आज भी रात को 2 बजे तक काम करते हैं। तो बच्चों टफ टाइम हर एक इंसान की लाइफ में आता है। 2018 वॉज वेरी टफ फॉर मी व्हेन द सिलेबस गॉट चेंज्ड एंड स्टूडेंट्स वर इन पैनिक, एडमिशंस वर वेरी लेस, वी वर नॉट इन द ऑनलाइन। सो बच्चों डिड आई स्टॉप टीचिंग? नहीं, मैंने और मेहनत की और मेहनत की, ऑल इंडिया रैंक 5 आई बच्चों हमारी स्टूडेंट किंजल पटेल। तो बस मैं आपसे एक ही चीज़ की गुजारिश करूंगा बच्चों, बी हार्ड टू योर सेल्फ बच्चों। बहुत कठिन बनिए बच्चों, बी टफ। सिचुएशन जो है बच्चों, उन लोगों को इतिहास कभी याद नहीं रखता बच्चों जो समय जो परिस्थितियों से घबरा के छोड़ देते हैं बच्चों। विनोद कांबली, इनको बहुत जल्दी फेम मिला और फेम मिलने के बाद इनका भी टफ टाइम आया जब ये 0-0 पे आउट होने लगे बच्चों। इन्होंने क्या किया? क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग। उन्होंने दुनिया भर में जाके बच्चों अय्याशियाँ करना शुरू कर दिया, पार्टी करना शुरू कर दी बच्चों। प्लीज़, मैं विनोद कांबली का के अगेंस्ट नहीं हूँ बच्चों, इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ही मेड अ क्विट बच्चों। उन्होंने परिस्थितियाँ जब विपरीत हुई तो उन्होंने क्विट कर दिया बच्चों, उन्होंने वो परिस्थितियों से लड़े नहीं। तो बच्चों मैं यही बोल रहा हूँ बच्चों कि अच्छा टाइम बुरा टाइम, अच्छा टाइम बुरा टाइम बच्चों, अगर हर एक इंसान का ग्राफ ऐसे ही रह गया बच्चों, हर एक इंसान का ग्राफ ऐसे ही रह गया बच्चों। राम जो हमारे प्रेसिडेंट है कोविंद साहब बच्चों, ये आईएएस ऑफिसर बन गए थे पता है आपको, बट इन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद ये वकील बन गए और बच्चों फ्री में केस लड़े इन्होंने गरीब लोगों के, एंड इट वॉज वेरी टफ टफ टाइम फॉर हिम। जो जो बंदा आईएएस, और वो तो बहुत गरीब फैमिली से थे बच्चों, तो इतनी टफ बच्चों, आईएएस की नौकरी छोड़ के बंदा वापस से क्या कर रहा है बच्चों, वकील बन के केस लड़ना शुरू कर रहा है। तो जस्ट यू कैन जस्ट इमेजिन बच्चों,
आज वो बंदा देश का प्रेसिडेंट बन के बैठा है बच्चों। तो टफ टाइम्स सबकी लाइफ में आता है, सबकी लाइफ में आता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से उनके ही बारे में लिखा जाता है बच्चों, जो टफ टाइम पे सरवाइव कर गए। टफ टाइम पे अगर क्विट करने की बात करने लगे, छोड़ने की बात करने लगे, तो बच्चों उन्हें इतिहास आज नहीं तो कल भुला देगा। सेम लाइक विनोद कांबली, फरदीन खान। एक टाइम पे फरदीन खान का कंपैरिजन होता था ऋतिक रोशन से बच्चों, क्योंकि ये दोनों रिलेटिव भी हैं और दोनों साथ साथ में ही इनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई थी। बट दो तीन पिक्चरें फ्लॉप हुई, फरदीन खान लेफ्ट, उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया, उन्होंने अपनी डाइट चेंज कर दी। आज कोई जानता है फरदीन खान को? बट ऋतिक रोशन सेम एज के हैं बच्चों, ये लोग ऋतिक रोशन को देखिए बच्चों आज कितना अप्रिशिएट करते। क्या ऋतिक रोशन का टफ टाइम नहीं आया बच्चों? उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई बच्चों, उनकी कई मूवीज फ्लॉप हुई बच्चों। तो मैं आपसे एक ही चीज़ की गुजारिश करता हूँ बच्चों, लाइफ टफ टाइम कितना भी बच्चों, डोंट क्विट, डोंट क्विट, डोंट क्विट बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, भगवान आपको जिंदगी में हर एक सफलता दे, हर एक खुशी दे, और आप लोग बहुत तरक्की करें। गॉड ब्लेस।